पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है बेवर, जिला मैनपुरी, जहां शहीदों का हर वर्ष मेला लगता है जो 23 जनवरी से शुरू होकर 10 फरवरी तक चलता है। इस मेले में शहीदों को नमन किया जाता है और शहीदों के नाम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। विगत 50 वर्षों से अनवरत शहीद मेला बेवर में लगता आ रहा है, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है व उनसे संबंधित प्रोग्राम किए जाते हैं। जो लोग बेवर में शहीद हुए थे, शहीद कृष्ण कुमार विद्यार्थी, शहीद जमुना प्रसाद त्रिपाठी, सीताराम गुप्ता, इनकी याद में यह मेला विगत 50 वर्षों से लगता आ रहा है। इस मेले को लगवाने में शहीद जमुना प्रसाद त्रिपाठी के पुत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व पूर्व विधायक जगदीश नारायण त्रिपाठी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके गुजर जाने के बाद यह मेला उनके भतीजे राज त्रिपाठी ने संभाला। फिर पिछले 2 वर्ष से यह मेला नगर पंचायत बेवर संभाल रही है। एक बैठक हुई जिसमें शहीदों के परिजन व बेवर के संभ्रांत लोगों को मौजूद थे। इस मीटिंग में नगर पंचायत ईओ वरिष्ठ लिपिक विनोद कुमार की मौजूद रहे, जिसने 20 दिन तक लगने वाले मेले की रूपरेखा तैयार की गई। भाई बोलो सर, उसको का चयन हुआ आज जो शहीद मेला की मीटिंग हुई थी बेवर में, तो सर उसके संबंध के बारे में कुछ बताइए सर। मीटिंग जो है सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है जी। जो भी कार्यक्रम जो लोग करवाते थे जी, वो पूर्व की भांति करवाएंगे जी, जी, जी। कुछ लोग मीटिंग में अनुपस्थित थे, किसी वजह से नहीं आ पाए थे, तो उनसे हम लोग संपर्क करेंगे। अगर वो कार्यक्रम करवाना चाहेंगे तो पूर्व की भांति जी, हम लोग मेला लगवाएंगे। अच्छा, जनता सर आपकी अपील क्या है रही है? जनता से यही अपील है कि जनता जो है शांतिपूर्ण तरीके से मेले में आए जी, जी। मेले का आनंद ले, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखे, शहीदों से प्रेरणा ले। धन्यवाद सर। ओके।